दिस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सत्यम कुमार क्या है प्रॉब्लम? हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये आज आप सर नो प्रॉब्लम। तो फिर ये मैंने ड्राइव म्यूट करने के लिए तुम करता है ये नहीं? सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अब आया, आया आवाज? यस सर, अब आ रहा है। यस सर आ रहा है, उसका कट कट के आ रहा था। अच्छा, देखो कल जो है जब चैट ऑप्शन दिया गया तो तुम लोग ये आपको कल टेस्ट नहीं होगा, ये पहले से ही रूल बना हुआ है। ये फिफ्थ संडे जो होगा ना, अगर मंथ में फिफ्थ संडे आ जाएगा तो टेस्ट नहीं होगा। चार ही संडे सर, अभी भी कट कट के आ रहा। हेलो सर, हेलो सर, सत्यम कुमार। यस सर। तुम ड्रेस के लिए बोला गया, यूनिफॉर्म के सर, लिए? सर ड्रेस नहीं है मेरे पास। तो व्हाइट ड्रेस होगा, व्हाइट ड्रेस होगा ना? यस सर, वही पहन लो। यस सर, आके पहन लो, ठीक है? केवल ऊपर से ही चढ़ा देना है, व्हाइट ड्रेस चढ़ा दो। ओके ओके सर, ओके सर। तो देखो ये हमें जाके कर लो क्विकली, तो आप वीडियो ऑफ कर ले, जाके अपना ड्रेस चेंज कर ले। तो हमें सर आप म्यूट है। हाँ, संडे टेस्ट जो फिफ्थ का आएगा ना, फिफ्थ उसमें आपको संडे टेस्ट नहीं होता है, फिफ्थ संडे को, ठीक है? वो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मंथ में अगर फिफ्थ आ जाएगा तो आपको कोई नोटिस नहीं ना आया, तो वो अंडरस्टूड टर्म है। ओके, इसीलिए आप उसका टेंशन नहीं ले। चलो अमित, आंसर क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करना है ना, क्वेश्चन आंसर, ठीक है? ये आपको ई पे बात करना है। ई में फर्स्ट हो गया था जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है? तो ये प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर क्या मिक्सचर कर सकते हो, मिक्सचर है ना, डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में जो डिफरेंस है
उसमें क्या है, देखिए प्योर सबस्टांस में आता है एलिमेंट और कंपाउंड, पुराने समय में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो प्योर सबस्टांस जो होगा वो एक डिफिनिट इनडिफिनिट प्रोपोर्शन, इट कंबाइंड इनडिफिनिट प्रोपोर्शन, ये आपको डिफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है, ठीक है, इट कंबाइंस इन डिफिनिट प्रोपोर्शन। ओके क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर। आदिव्या और सिद्धार्थ, यस सर, अपने ड्रेस को ठीक करना है, यूनिफॉर्म में रहना है, ठीक है, व्हाट्सएप पर भी गया होगा यूनिफॉर्म डे, साक्षी कुमारी तुम भी, और उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपका अगर ड्रेस छोटा भी हो गया होगा ऊपर से चढ़ा देना है ना, वो ड्रेस आप घर में ही है ना जी, अगर आप न्यू स्टूडेंट है ड्रेस नहीं होगा तो व्हाइट ड्रेस चाह सकते हैं, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके सर। इसको आप इंस्ट्रक्शन को ना स्ट्रिक्टली फॉलो करे, इग्नोर मत करे, ठीक है, अगर कोई भी आ रहा है तो उसको फॉलो कीजिए। तो अब देखिए हम पहला ई फर्स्ट जिसमें बताया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर सबस्टांस एंड इम्प्योर सबस्टांस। तो प्योर सबस्टांस जो है वह इट कंबाइंस इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, और इम्प्योर सबस्टांस जिसको मिक्सचर कहते हैं तो इट कंबाइंस इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, कि किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन कर सकता है, क्लियर? यस सर। और और एग्जाम्पल पॉइंट लिखना है उसमें एग्जाम्पल मेंशन कर देना है। तो आपको प्योर सबस्टांस में वाटर हो गया, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ना, ये आपको प्योर सबस्टांस हो गया, क्लियर। और इसमें आप एग्जाम्पल में सेकंड डिफरेंस में आप लिख सकते हैं एयर, एयर क्या है, मिक्सचर है, सभी जगह एयर एक जैसा नहीं होता है, कहीं पर जाते इम्प्योर एयर है, सॉरिया रिएक्शन नहीं दिखाना है, सॉरिया वीडियो ऑन करके रखना है, ठीक है। तो उस केस में एयर सॉइल ये आपको क्या हो गया, इम्प्योर सबस्टांसेज हो गया। ई फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। बोलो। सॉरी यार, यूनिफॉर्म में रहना है। सर आप डी वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये फोर्थ चैप्टर का बता रहे हैं, मैंने बताया था ना आपको कि सैटरडे को क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है E2। E2 में देखो क्या क्वेश्चन है, पर रीडिंग दो, सॉरी यार रीडिंग दो। E2 स्टेट द डिफरेंस होमोजेनियस एंड होमोजेनियस मिक्सचर एग्जांपल ऑफ। आपको डिफरेंस करना है होमोजेनियस और हेटरोजेनियस में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट व्हिच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, डज नॉट हैव सेम कंपोजिशन, हेटरोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंस E2 है ये,
difference between homogeneous and heterogeneous. तो homogeneous में क्या होगा, दोनों आपको इम्प्योर मिक्स इम्प्योर सबस्टांसेज है, तो इसमें द इम्प्योर सबस्टांस that have same composition. पेज नंबर आपको देखो जब 53 में होगा, अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा या हैंडराइटिंग नहीं चल रहा होगा तो उस जगह आप जो है पेज नंबर आप देखिए 53 पर एप्स होगा, हाँ 52 में है, पेज नंबर 52 में आप देखेंगे मिल जाएगा। The impure substance that have same composition throughout, इसके में आपको same composition और इसमें क्या हो जाएगा, the impure substances that does not have same composition throughout, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसमें एक एग्जांपल दे देना है, ये इसमें एग्जांपल में क्या लिखना है, सेकेंड पॉइंट जो बनाना है। आदित्यराज सुन रहे हो? यस सर। तो सेकेंड पॉइंट जो बनाएंगे उसमें आप ये लिखेंगे एग्जांपल में, और इसमें लिखेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। और यहाँ पर एग्जांपल लिखिए साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ सैंड, सॉल्यूशन ऑफ सैंड विथ वाटर, इसमें क्या होगा, एक जैसा नहीं होगा क्योंकि सैंड हैवी पार्टिकल्स है, वो कुछ ही देरों में क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ, तो ऊपर पानी में जाएगा, एक जैसा मिक्सचर। साल्ट क्या है, डिजॉल्व होने वाला सबस्टांसेज है, सॉल्युबल सबस्टांसेज है, तो वह आपको भूल जाएगा और सभी जगह एक जैसा टेस्ट होगा, एक जैसा आपको साल्ट जो है सॉलिड फॉर्म में दिखाई भी नहीं देगा कुछ दिनों के बाद। ओके क्लियर? यस सर। यस सर। E1 और E2 प्रॉब्लम? नो सर। चलो तो आप करो रीडिंग दो क्वेश्चन को, E3 क्या है? Can a mixture of आयोडीन और कैम्फर जो है वो सब्लिमेशन मेथड से और अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? साक्षी कुमारी तुम बोलो। सर क्या नहीं, मैं कर सकता हूँ। अब बोलो अभी क्या क्या है? सर मैं कर सकता हूँ। सर सिद्धार्थ। हाँ सर, बोलो। दोनों देखो, आयोडीन और कैम्फर बोथ आर सबलाइम मटेरियल, दोनों क्या है, सबलाइम है, दोनों सबलिमेशन मेथड से आपको कन्वर्ट हो जाएगा गैस के फॉर्म, इसीलिए उसको अलग Because we cannot separate. Because iodine and copper both have
हाँ बोलो सर, इधर एक्टिविटी वन में है सर, मैं बताऊं? हाँ बोलो सर। नो बिकॉज आयोडीन एंड कैम्पर बोथ आर सब्लाइम नाइन। यस, तो वहाँ पर E3 में लिखोगे नो बिकॉज आयोडीन एंड कैम्पर बोथ आर सब्लाइम मटेरियल इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। ओके हो जाएगा? यस सर, यस सर। लिखने की जरूरत नहीं है, है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। E3 का इट डायरेक्टली चेंज बोथ आर सब्लिमाइन और उसके बाद क्या होगा? बोथ आर सप्लाई मटेरियल और इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा बाय द सब्लिमेशन मेथड। ओके क्लियर? ओके सर, ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आशुतोष कुमार का है। व्हाट इज द साइज ऑफ नेपथ्यून, साइज ऑफ नेपथ्यून बॉल इज पुट इन ऑन एंड कीप ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम। व्हाई डज द साइज ऑफ थैलिन बॉल पुट इन ओपन कीप ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम। चलो आशुतोष कुमार, क्या प्रॉब्लम है? रिपीट कर दीजिए ना। नो नहीं होगा सेपरेट। क्यों? बिकॉज आयोडीन एंड कैम्पर बोथ आर सब्लाइम मटेरियल। ओके क्लियर? बिकॉज आयोडीन एंड कैम्पर बोथ आर सब्लाइम मटेरियल। ठीक है, E3 क्लियर? E4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन पर हो। E4, why does the size of नेपथ्यूनियम बॉन्ड पुट इन ओपन कीप ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम। यहाँ से ये कट कट की आवाज आ रही है। सर आदित्य राज के माइक से। अच्छा रुको, हटाते हैं उसको। आदित्य राज कहा गया, म्यूट कर देते हैं। ठीक, चलो देखो ये तो लिखोगे बिकॉज नेप्थलीन बॉल इज ए सबलाइम मटेरियल, है ना? क्या लिखोगे? नेप्थलीन क्या है? नेप्थलीन कैम्पर सर, बिकॉज नेप्थलीन बॉल्स आर सबलाइम मटेरियल्स। हाँ ठीक है, बाय द सब्लिमेशन मेथड नेप्थलीन बॉल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। ठीक है, ई क्या था? 4 ना? तो नेप्थलीन क्या लिखे? नेप्थलीन बॉल बिकॉज नेप्थलीन बॉल इज ए सबलाइम मटेरियल। बिकॉज नेप्थलीन बॉल इज ए सबलाइम मटेरियल। ठीक है, ये क्या है? सबलाइम मटेरियल है बाय सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड मेथड इट डायरेक्टली प्रॉब्लम फॉर यू कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। ओके
इसी कारण से इसका साइज क्या होता जाएगा, धीरे धीरे छोटा हो जाता है, देयरफॉर इट्स साइज इज रिड्यूसली. ठीक है, क्वेश्चन से ले लेना है कोई. और कोई प्रॉब्लम? नो सर. सर आप एक और बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा. सॉरी यार, ये तुम हा कर रहे हो. नहीं रुको एक मिनट, इसी में रिमूव कर देंगे तो छटपटाने लगेगा. वाई ए सेक्शन और बी सेक्शन में दो बच्चे को रिमूव कर दिया, उसके गार्जियन से डेट प्रॉब्लम होने लगी. अपनी एक्टिविटी को ठीक से सोचना चाहिए कि हमें चैटिंग ऑप्शन दिया है तुम्हें क्वेरी करने के लिए, ना कि वह एक दूसरे से बात करने के लिए. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट. सर हाँ, फोर वाला क्वेश्चन मैंने बताया बिकॉज, फोर का फिर से सुन लो, बिकॉज नेफ्लिन बॉल इज ए सबलाइन मटेरियल. नेफ्लिन बॉल क्या है? सबलाइन मटेरियल है. बाय सब्लिमेशन मेथड, बाय सब्लिमेशन मेथड इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. ये क्या है, डायरेक्टली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में. देयरफॉर इट्स साइज इज रिड्यूसिंग विद टाइम. ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा. हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम? Sir, you are muted. Sir, your mic is muted. Okay. But disconnect होता है तो उस समय में ये problem होती है. ठीक है? तो आपको जो है video on रखना और inform dress में. अब यहाँ पे problem क्या क्या आ रहा है, कि कोई new बच्चे बोल रहे हैं dress नहीं है, तो आप white dress पहन सकते हैं. और जो पुराने स्टूडेंट है वो कहते हैं ड्रेस छोटा हो गया है, तो आप केवल चराना है, कोई बाहर नहीं निकलना है, छोटा हो गया बड़ा हो गया है ना, ऊपर से आपको पढ़ लेना है. ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजो. अब देखो यहाँ पे E4 क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? कहाँ से अब E5 का रीडिंग दो. ये मैंने आपको पुराने समय में ही बता दिया था E5 का आंसर. यस सर. आफ्टर ए डस्ट स्टॉर्म, आफ्टर डस्ट. ठीक है, तो आफ्टर ए डस्ट स्टॉर्म हाउ डज रेन हेल्प इन मेकिंग एयर क्लियर. ये मैंने आपको पुराने समय में ही बता दिया कि ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और इसका ये है, क्योंकि आपको उस जगह. तो ये देखो पेज नंबर 59 E5 का जो है ना, पेज नंबर 59 में देखोगे उसमें लिखा होगा. हाँ, वह मैंने पुराने समय में, आप सिद्धार्थ गुप्ता इस बात को जरूर फॉलो करोगे. कुछ कहा मैंने सिद्धार्थ गुप्ता? कौन सा पैराग्राफ? यस सर लास्ट पैरा. अच्छा, क्या कहे मैंने फॉलो करने के लिए? बोलो ड्रेस को फॉलो करेगा अगले बार से मिस्टर सिद्धार्थ? यस सर. कल से इनफॉर्म में रहेगा? यस सर का मतलब yes, क्या हुआ? रहेगा सर, कल से यूनिफॉर्म में रहेंगे. यस, वेरी गुड. कहाँ गया, तुम ही आ गया जी स्पीकर में. तो आप देखो ये तो पेज नंबर 59 में लास्ट पैराग्राफ में ये आंसर है. आफ्टर यानी स्टॉर्म रिमूव हाउएवर रेनफॉल
after the storm, remove these dust particles and the air becomes clear and fresh again. The dust particles in the air get located, load हो जाता है with water and settle down. समझ गया? तो E5 में कोई problem? Yes sir. कोई problem? No sir. अब है 6. No sir. Sir. हाँ बोलिए. Excuse me sir. हाँ बोलिए ना. सर हम आंसर शुरू करना हाउ एवर से या आफ्टर स्टॉर्म से सर आफ्टर सर सर रिपीट कर दीजिए ना है स्टॉर्म से सर E3 फिर से रिपीट कर दीजिए ना मीन सर E4 सर E4 वो तो लिखा हुआ है देखो बिकॉज नेपच्यून बॉल इज ए सबलाइम मटेरियल बाय सब्लिमेशन मेथड बाय सब्लिमेशन मेथड इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म सर बोर्ड साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्या हुआ अरे भाई आपको सुनाई दे रहा है बिकॉज नेपच्यून बॉल इज ए सबलाइम मटेरियल ओके लिख लो बिकॉज नेपलिन बॉल इज सब्लिमेशन मटेरियल एंड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इट इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस फॉर्म सुना ना जी हां यस सर तारिका क्या दिक्कत है अब तारिका क्या दिक्कत है क्या बताया थे सर क्या सर E5 कैंसर कहाँ पे बताए थे सर E5 कैंसर 59 पेज नंबर 59 के लास्ट पैराग्राफ में है सर एक्सक्यूज मी सर अब बोलो ना सर E6 पे से शुरू करना है आफ्टर से करना है देखना पड़ेगा ना कितना पेज नंबर 59 After storm खत्म करना After storm लिखना After storm rainfall बीच में rainfall घुसी आ देना कुछ modify करोगे अच्छा लगेगा answer भी सटीक लगेगा कहेगा book किस language नहीं है तो after rainfall इसके बाद वो जो after storm rainfall removes ये लिखना है rainfall तब घुसाना है समझ में आया कुछ यस सर सर कहाँ सर E6 का सर E5 का कहाँ अंडरलाइन करना है जहाँ लिखा हुआ है रेनफॉल हाउएवर जहाँ है आफ्टर स्टॉर्म रेनफॉल रिमूव डस्ट पार्टिकल्स ओके डस्ट पार्टिकल्स ऑन द एयर बिकम क्लियर एंड फ्रेश अगेन आदित्यराज तुम्हारा स्पीकर ऑन है ना इसीलिए वो आवाज आ रही है इसीलिए तुम्हें अनम्यूट कर दिया गया है तुम अपना हैंड्स डाउन कर लो और जो भी बच्चे का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए हैंड्स डाउन कर लो ठीक है ओके सर ओके सर अबे E6 देखो क्या होगा सॉडस्ट मिक्स्ड विथ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन मेथड व्हाई not be separated by sedimentation method why तो sawdust मतलब लकड़ी का बुरादा आरी मशीन पर आरा मशीन होता है ना जी उस जो लकड़ी का बुरादा जो है वो sublime material नहीं है because sawdust is not a sublime material ये it cannot directly converted into gaseous form ये sublime material है नहीं ना है sublime में कौन कौन है camphor है आयोडीन है अमोनियम क्लोराइड है और नेफ्थलीन सर नेफ्थलीन यस सर आंसर समझ में आ गया 6 का यस सर क्या लिखेंगे नो बिकॉज सॉडस्ट इज नॉट ए सबलाइम मटेरियल बिकॉज सॉडस्ट इज नॉट अ सबलाइम मटेरियल ठीक है यस सर
ये इवोपरेशन मेथड से अलग होगा, क्योंकि पानी को आप इवोपरेट हीट अप करेंगे वेपराइज हो जाएगा, ठीक है ना? सर अब E7 है? सर अब E7 E7 the filtration method, हाँ बोलिए। The filtration method can be used to separate sugar and salt mixed in water. Why? सर E6 का आंसर, सर E6 का आंसर कैसे लिखेंगे? सर E6 का आंसर E6 का कैसे लिखेंगे? बोले तो because sawdust is not a sublime material. This mixture can be separated by evaporation method because water converted into gas by heating. अपना मन से लिखना है ना, उसका जवाब लिखना है to the point. Clear? Yes, sir. वो जो sawdust और पानी को मिला दोगे तो पानी को वेपराइज कर दो, वेपराइजेशन मेथड से वो इवेपोरेशन मेथड से वो क्या हो जाएगा, अलग किया जा सकता है। एक्सक्यूज मी सर, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे 5E का 6 क्वेश्चन। E6 में बोला है कि sawdust इज नॉट ए सबलाइम मटेरियल, है ना? सबलाइम मटेरियल, ठीक है। दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय इवोपरेशन मेथड, नॉट सेडिमेंटेशन। ओके ओके सर, थैंक यू। यस सर, क्लियर। अब देखो, फिल्ट्रेशन मेथड कैन नॉट बी यूज टू separate sugar and salt mixed water in why filtration, dekho, because sugar and salt is a soluble material, hane it dissolves in water, soluble in water, ha to isi karan se tum isko separate, sir agar hum log sukha denge to sir wo ho jayega, to sukhayenge pani to evaporation method na hoga, फिल्टर मेथड नहीं ना होगा। फिल्टर से किस चीज को छानोगे? जो सॉलिड रहेगा, जो सॉल्युबल नहीं होगा वही ना करोगे? सर सॉल्युबल नहीं होगा उसी को। यस सर, सर एक और बार रिपीट कर दीजिएगा, कर दीजिए। लिखोगे बिकॉज सुगर एंड साल्ट आर सॉल्युबल मटेरियल, It dissolves in water. Okay? Sir, once more repeat. Because question देखो ना जी, question में तो answer है, समझ जाएगा तो अपना भी use तो करोगे, English medium में पढ़ रहे हो ना? Because sugar and salt are soluble materials. Soluble material, okay? It dissolves in water. Yes, sir. Clear? Yes, sir. ठीक है? Therefore, it cannot be separated by filtration method. Therefore, it cannot be separated by filtration method. फिल्टर से कौन चीज छानोगे? टी लीव्स को टी वाले में छानते हो ना जी, टी के कंपोजिशन में। क्लियर? हो गया 7? क्लियर? यस सर। और E8 देखो, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो सेंट्रीफ्यूगेशन देखो कहाँ है, वहीं को उसको डिफाइन कर देना है। देखो पेज नंबर 61 देखो। ओके सर, सर
सर तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड सर दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड Sir, it is the method used to separate the fine particles suspended in liquid by rotating the mixture at high speeds is called centrifugation. यहाँ पर this method used. यार सुनो आप ये high speed है ना शुरू से high speed तक लिखना है उसके बाद ये नहीं लिखना है ना centrifuge नहीं लिखना है फिर paragraph change कर देना है और लिखना है द हैवियर पार्टिकल्स टेंड टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर व्हाइल द लाइटर वंस स्टे एट द टॉप ठीक है अब इसके बाद एग्जांपल में लिखना है सर इट्स एग्जांपल इज सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क हां ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब देना है एंड सर टू टर्न आउट बटर फ्रॉम अरे एक ही जवाब देना एक ही आंसर एंड एप्रोप्रिएट आंसर टू चर्न आउट बटर फ्रॉम क्रीम कोई प्रॉब्लम और किसी को कोई प्रॉब्लम नो सर नो सर एट आदित्यराज यस सर ऐश्वर्या सिंह चलो एट को एक्सप्लेन करो अगेन यस सर पेज 61 में यस सर पेज 61 में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यस सर इट इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट अ स्पीड एट अ हाई स्पीड फिर से हम लोग को पैरा चेंज कर देना है और लिखना है The heavier particles tend to settle down at the bottom of the container, while the higher ones stay at the top. Or example, लिख देना है ऐसा. Butter being lighter, etc. Cream from milk by churning लिखना ना. No sir, sir separating cream from milk and by To churn out butter from cream. ठीक है. Yes sir. कोई problem? अब ये तो खत्म हो गया ना ये chapter four का question answer. अब तो कोई छुटा नहीं. Yes sir. कोई छूट गया? No sir. No sir. तो आप No sir कोई नहीं छूटा. हाँ.